हेलो एवरीवन, अभी हम देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ फ्लेंज नट। ये नट का एक टाइप है जिसका नाम है फ्लेंज नट। तो वो कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं हम। उसके लिए बेसिक जो है हमें कुछ डायमेंशंस कंसीडर करने होंगे। तो डी कंसीडर कर रहे हैं 20, डी यानी एज, उसके बाद लगेगा 2.2D। तो डी की वैल्यू 20 रख देंगे तो ये डायमेंशन आएगा आपका 44। और उसके बाद और एक डायमेंशन लगेगा आपको 0.525D, तो ये आएगा आपका 5 mm। तो ये बेसिक दो तीन डायमेंशंस आपको लगने वाले हैं। पर्टिकुलर नट का हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ऐसे दो व्यूज निकालने वाले हैं। तो बेस जो है आपको लगेगा 2.2D मतलब 44। तो मैं सबसे पहले एक 44 डायमेंशन की एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, बेस की लाइन, और उसका सेंटर पॉइंट लेके 22 जो है उसका सेंटर पॉइंट आएगा, वहां से वर्टिकल सेंटर ड्रॉ करके जो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों के लिए काम आने वाला है। ठीक, उसके बाद इसकी जो हाइट है वो दो इसमें डिवाइड कर दी, एक वाला ये और दूसरा वाला ये। तो ये नीचे का जो है वो है आपका 0.25D, तो वो आएगा आपका 5 mm, और ऊपर का जो है वो है आपका D यानी 20। तो जहां आपका 45 खत्म हो गया वहां से ऊपर मैं 5 mm डिस्टेंस लूंगी लेफ्ट और राइट की ओर से, और लेफ्ट का जो पोर्शन है वो मुझे सेंटर के साथ ज्वाइन करना है। राइट का हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसके बाद नट को कट करना है, तो कट करने के बाद वो जाने वाला है, इसकी वजह से मैं नहीं कर रही। ठीक, उसके बाद ये ऊपर का जो है वो है आपका डी, हॉरिजॉन्टल भी ये भी आपका आएगा डी। तो मैं सेंटर से डिस्टेंस ले रही हूँ 10 mm फ्रॉम बोथ साइड, और वर्टिकल भी लेना है आपको डी, मतलब वर्टिकल है आपका 20। इस प्रकार से जो है आपका ये स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बीच वाला डी, और उसके बाद ये दोनों जो आएंगे आपका डी। यहाँ पे आपको 3 स्लॉट्स दिखने वाले हैं। तो मिडल वाला जो है वो हो गया आपका कंप्लीट, सेंटर से 10-10 डिस्टेंस लेके हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन साइड वाला जो है वो हमें करना बाकी है, मतलब ये वाला 1 और 2। तो ये बेस क्यों कहीं ना कहीं टच हो गया, तो ऊपर से एक 2 mm डिस्टेंस छोड़ दीजिए या 3 mm छोड़ दीजिए और लाइन ट्रांसफर कर दीजिए फ्रॉम टॉप मोस्ट कॉर्नर। सिमिलरली दूसरे भी कॉर्नर से आपको वही करना है, वो डिस्टेंस आप एक 2 mm डिस्टेंस छोड़ के ज्वाइन कर दोगे ऊपर से, जो कि आएगा आपका एस 2 mm 3 mm, कितना भी आप आपके हिसाब से छोड़ सकते हो। तो आपका जो फ्रंट व्यू है समहाउ ऐसा दिखेगा। देन उसके बाद हमें एक कर्व्स दिखने वाले। तो कर्व्स की प्रोसेस आपको पता है कि आप टॉप मोस्ट लाइन के साथ ट्रांसफर करेंगे डिस्टेंस, और बीच में एक 2 mm या 3 mm डिस्टेंस छोड़ के एक फेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उसके बीच में आपका ये कर आएगा फ्री हैंड, लेकिन सेंटर के साथ ज्वाइन करना है आपको। तो आप करेंगे ऐसे ज्वाइन 3 times, क्योंकि 3 कर्व्स हमें दिखने वाले हैं, तो आपका जो कर है वो आएगा ऐसे। तो इस प्रकार से आपका फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। ये लिया था हमने 2.2D, तो वो दे देंगे, जितने बेसिक्स डायमेंशंस हमने लिए थे या फॉर्मूलाज लिए थे वो लिखेंगे हम 2.2D। मिडल वाला जो है वो हमने लिया है डी, देन यहाँ से जो ऊपर हाइट ली है वो भी है डी, और नीचे वाला है आपका 0.25D, और ये जो है आपका कैपिटल डी, और ये भी कैपिटल डी। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाए। अभी सिमिलर वे से हम टॉप व्यू कंप्लीट करते हैं। उसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देन हम डिस्टेंसेस लेंगे कौन से, अभी मुझे निकालना है 3D। तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस लूंगी फर्स्ट वाला, मैं कैपिटल डी का हाफ डिस्टेंस ये लेंगे हम, सेंटर पे रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सर्कल है हमें ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये सर्कल हमें दिखने वाला है, तो उसकी वजह से वो आएगा डार्क। उसके बाद दूसरा जो सर्कल है वो आएगा आपका सेंटर टू ये दूसरी लाइन, दिस वन,
मैं एरो करके दिखा रही हूँ डिस्टेंस आपको, सेंटर टू सेकेंड लाइन, फिर से सेंटर पे रखेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल जो है वो भी हमें दिखने वाला है, जो कि है आपका फर्स्ट सेकेंड, ये हमने ड्रॉ किया। अभी थर्ड जो है ये सर्कल दिखेगा आपका, जो कि है सेंटर से ये लास्ट वाला पोर्शन, ये डिस्टेंस 2.2D का हाफ, तो वही डिस्टेंस लेंगे, सेंटर पे रखेंगे और तीसरा सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमने कम लिया था, उसकी वजह से यहाँ पे गैप कम आने वाला है। तो ये जो आपका सेकेंड सर्कल है उसके ऊपर हेक्सागोन दिखने वाला है हमें, तो वो हेक्सागोन हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे आप, टॉप मोस्ट कॉर्नर को सेंटर में से लाइन ट्रांसफर कर देंगे, जो कि आएगा आपका ऐसे। सिमिलरली नीचे से भी आपको ट्रांसफर करना है। ये डिस्टेंस हमने कम छोड़ा है, उसकी वजह से यहाँ पे गैप कम आ रहा है। तो आपको अगर ये बहुत पास में लग रहा है तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। दूसरा जो है कॉर्नर को टच होके सर्कल के अंदर, क्योंकि इतना गैप दिखना चाहिए तो ये सर्कल के अंदर आना चाहिए, सर्कल को टच, सेकेंड वाले सर्कल को टच नहीं होना चाहिए, इधर टच नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको एडजस्ट करके लेना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरी साइड से भी वैसे ही लेंगे और ये हेक्सागोन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो वो आ रहा है आपका, सर्कल के अंदर नहीं जाना चाहिए, पहले भी सर्कल के अंदर नहीं और दूसरे सर्कल के बाहर नहीं, क्योंकि हेक्सागोन जो है दोनों सर्कल के बीच में है, जो कि ये वाला है। तो इस प्रकार से जो है आपका टॉप व्यू हो गया। यहाँ पे और एक चीज बाकी है, नट है, तो नट को इंटरनल थ्रेडिंग रहती है, तो आप 3-4 सर्कल जो है वो एक्सटर्नल निकालोगे। पहले हमने ये डिस्टेंस लेके सर्कल निकाला था, थोड़ा सा 1 mm डिस्टेंस बढ़ा देंगे और 3-4 सर्कल निकालेंगे फॉर द कन्वेंशन ऑफ नट। नट का जो कन्वेंशन है वो हमें दिखाना है उसके लिए। तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं फ्लेंज नट। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू ऑफ फ्लेंज नट और ये हो गया टॉप व्यू ऑफ फ्लेंज नट। तो अगर आपको फ्लेंज नट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।